सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में वाका है, जिसे उर्फ आम में साबरी बुलबुल दरगाह भी कहा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह पर 55वां सालाना ऊसिया मेला रवायती अंदाज में मुनाकिद किया गया। इस उर्स में शिरकत के लिए दूर दराज से हजारों लोग मजार पर हाजिरी देते हैं। अकायद का मरकज एक ऐसा मकाम है जहां ज्यादा से ज्यादा मजाहिब के दरमियान भाईचारा और भाईचारे को अपनी बेहतरीन हालत में फलता फूलता और खुशहाल देखा जा सकता है। सालिहा साल से सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह, जिसे सूफी बुजुर्गों ने हमारे मुल्क में रूहानियत और हम आहंगी के पैगाम को आम किया और उनकी तालीमात आज भी सेक्युलरिज्म के धागे को मजबूत करने में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब उर्स शुरू होता है तो नमाज, सुबह की नमाज, नमाज फजर के बाद कुरान खानी वगैरह का अहतमाम किया जाता है और उसके बाद फिर ख़त्म शरीफ, मिला शरीफ होने के बाद और तम सब लोगों के लिए दुआएं होने के बाद तो ये उर्स का आगाज़ हो जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। और पहले दिन सुबह में शुरू होकर फिर शाम में कव्वालियाँ वगैरह और रात में जलसा रहता है। तमाम मुकर्ररीन तशरीफ़ लाते हैं, तमाम ज़ायरीन लोग और सामईन लोग ये सब मिलकर आपस में जो है जलसा करते हैं और इसमें दूसरों को इस्लाही, दूसरों के लिए इस्लाही तकरीरें होती हैं, हिदायतें होती हैं। नमाज, ख़ासकर नमाज रोज़े पर ध्यान दिया जाता है, आपस में भाईचारे पर ध्यान दिया जाता है। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह उत्तर प्रदेश के मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं। आप अहल मारिफत में बड़े कामिल और असाब ज़ौक वजदां में बुजुर्ग गुजरे हैं। ये दरगाह भारत के जुमला मजाहिब के मानने वालों के लिए एक रूहानी मरकज है जहां हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। यहाँ हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों का कहना है कि ये वो दरगाह है जहाँ से अल्लाह ताला किसी को खाली हाथ वापस नहीं करता। सूफी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है कि जहाँ पर आकर हिंदू और मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम मजहब वाले इकट्ठा होकर अपनी अपनी आस्था लेकर के आते हैं और जो भी मन्नतें मांगते हैं वो मन्नतें अल्लाह ताला उनकी पूरी करता है और उसके बदले में वो आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और लंगर नियाज का अहतमाम करते हैं, गरीब लोगों के लिए खाना खिलाते हैं। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं और इस्लाम के पैगम्बर हैं, उनके आने का वक्त जो था दुनिया में तशरीफ़ लाने का, जब आपस में लड़ाई थी तो उन्होंने आकर मोहब्बत और प्यार की बात करी। उनकी विचारधारा को, ओरिजिनल विचारधारा को सूफी लोगों ने अपने ज़िंदगी में उतारा और जहां लड़ाई की बात होती हो वहां ये सूफी लोग मोहब्बत की बात करते हैं। इसी विचारधारा को लेकर हुजूर गौसे जिलानी ख्वाजा ख्वाजगान, जिनका आस्ताना अजमेर शरीफ में है, इसी विचारधारा को हुजूर सैयदना साबिर पाक साबिर कलियरी रदी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़ाया और उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए हुजूर सैयदी कारी मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद पर इस दरगाह की बुनियाद रखी।
हमारे मुल्क भारत में सूफी संतों की खानकाहें कौमी यकजहती और गंगा जमुनी तहजीब का वो संगम है जिसकी नजीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इन खानकाहों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी में कोई फर्क नहीं। जहां हमेशा मजाहिब से ऊपर उठकर इंसानियत का दर्स दिया जाता रहा है, यही वजह है कि सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह जिसे वली कामिल के तईं हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अकीदत रखते हैं। इसमें माशाल्लाह हिंदुस्तान के काफ़ी लोग कुछ बाहर से भी हजरात तशरीफ़ लाते हैं आउट ऑफ इंडिया के। ये साल माशाल्लाह 1.25 लाख के करीब पब्लिक इसमें थी और उन सब का भी काफ़ी सहयोग रहा। सब ने बहुत खामोशी के साथ मोहब्बत के साथ बढ़ चढ़ के सब ने हिस्सा लिया। इसमें सब माशाल्लाह हमारे गैर मुस्लिम भाई और ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। इसमें ये पीर बाबा का उर्स है और शुरू ही से हमारे दादा हुजूर के पास हर तरह का इंसान आता है वहाँ पे। यहाँ पे कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, जिसमें हमारे हिंदू भाई बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और सभी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। इस तरह का पैगाम है। बहुत अच्छा पैगाम गया है और यही पैगाम हमेशा जाता रहे कि हमारे हिंदुस्तान में चैन व अमन का जो पैगाम दिया है उसी से ताल्लुक़ ये उर्स था। और हम माशाल्लाह इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे। ए मेरे खुदा तू समझ मुझे गैर ना तू समझ। तसव्वुफ में इंसान अपनी जात की सतह से बुलंद होकर अपनी रूहानी ताकत को इतना बढ़ा लेता है कि उसे हकीकत का इरफान हासिल होता है और वह खुद को पहचान कर खुदा को पहचान लेता है। तसव्वुफ में तसव्वुर इंसान मिलता है। इंसान का मनसब ये है कि वो रजाए खुदाबंदी को खल्फियतुल अल्लाह फिल अर्ज की हैसियत से पूरा करे और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब वो अपने आप को पहचाने, ये समझे कि उसकी खुदी हक है। उसका इरफान खुदा का इरफान है और खुदा के इरफान का तरीका सिवाय उसके और कुछ नहीं कि अपनी खुदी में गुम होकर अपना इरफान हासिल किया जाए। तेरे रास्ते में चला तू है कहाँ, तेरे बिन क्या जिंदगी तू जहाँ मैं वहाँ। हिंदुस्तान में 1000 साल से ज्यादा के इर्तका में तसव्वुफ की एक तारीख है। तसव्वुफ की मौजूदगी एक सरफहरिस्त इदारा रहा है जिसने पूरे एशिया में इस्लाम की रसाई को बढ़ाया है। कुरान अरब में नासिल हुआ, मिस्रियों ने इसे खुश इल्हानी से पढ़ा और हिंदुस्तानियों ने इसे गले से लगाया। दरअसल इस सच्चाई की तस्दीक की बुनियाद इस हकीकत में भी नहा है कि हिंदुस्तान ने उल्मा और सूफियों की एक मौसर तादाद को जन्म दिया जिन्होंने कुरानी उलूम खासतौर पर कुशादा सूफी उफकारो रवायात के फरोग में बेश बहा तावुन दिया। ए मेरे मौला समझ ले तेरे बिन मैं हूँ गरीब। नफसन कुरुस एट एटी नफसन कुरुस पेशे माँ, नफ्स ही इंसान को बुरे काम करने पर उकसाता है। नफ्स ही है जो इंसान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखता। कुदरत कुछ नहीं तू ही कशिश तू ही कविश तेरे बिन ये फुरकत कुछ नहीं।